Hello children, welcome to nursery class. And so in your previous video we have discussed standing line, sleeping line and curve. इस हिसाब से मैंने आपके साथ डिस्कस किया था. बट टूडे विल सी अल्फाबेट ए. ओके, लेट वर्सेस क्लास हो गया आपका. आज क्लास में आपका क्या होगा? ए फॉर एप्पल. तो ये फर्स्ट लेटर हमारा स्टार्ट हो गया. जैसे स्टार्ट हम लोगों ने फर्स्ट लेटर स्टार्ट किया है, तो उस हिसाब से हम स्टार्ट करेंगे जैसे बच्चों को इंटरेस्टिंग के साथ करवा सकते हैं हम. तो फर्स्ट लेटर के ऐसे थ्री डॉट्स बनाए हमने. तो हम पहले आप तो एक एप्पल बना लिए, चित्र बना लिया आपने. ऐसे पिक्चर्स ड्रॉ करके करवाने से बच्चे को क्या इंटरेस्टिंग होता है, एंड इंटरेस्टिंग के साथ साथ इसको कलर फील करेगा तो उसको कलर की भी आइडेंटिफाई होगा. यहाँ पे दो चीज इसको बेनिफिट होगा. एंड वो इनकरेज के साथ आप करेगा, क्योंकि कुछ न्यू एक्टिविटी के साथ अगर बच्चे करते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग के साथ वो इंटरेस्ट लेके करते हैं. तो हमें इंटरेस्ट करवाना है बच्चों को कि पढ़ाई एक बर्डन डाल के नहीं कराना है उसको. उसके साथ हमें खेल की तरीके से हमें उसको पढ़ाना है. जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि ये ए को हम एप्पल की बॉक्स में लाएंगे. तो एप्पल की बॉक्स में लाने के लिए बच्चों को लगेगा हाँ हमें यहाँ पहुँचना है. तो ऐसे पहुँचने के लिए क्या करेगा वो यहाँ पे करने की कोशिश करेगा. जैसे ये तो मैंने ऐसे वर्कशीट बनाया है, चाहे तब ए यूज कर सकते हो देन ए यूज कर सकते हो. ये हमारे क्लास वर्क के पैटर्न के हिसाब से. तो ए फॉर एप्पल. ओके, तो सर बच्चों को भी बोल करवा रहा है कि टॉप टू बॉटम एंड वन स्लीपिंग लाइन. तो ये बन गया हमारा ए. तो अब ऐसे भी करवाओगे कि one slanting line, one slipping line, two slanting line, one slipping line. इस तरीके से हम पूरा काम को अपना कंप्लीट करेंगे. एंड कुछ मैंने डॉट्स रखा है, आप इस तरीके से देख के दोबारा यहाँ पे एप्पल की शेप बना के आप करवाइए. घर में प्रैक्टिस कर रहे, होमवर्क भी मैंने ऐसे इस टाइप के दिए. इस टाइप के आप बच्चों को बोले कि यहाँ पे सीधे मिलाओ, यहाँ पे मिलाओ एंड यहाँ पे सीधा मिलाओ. इस हिसाब से आप करवाओ, घर में प्रैक्टिस करवाओ इनको. प्रैक्टिस के साथ साथ उनको इंटरेस्टिंग भी आएगा. वो लेट्स मेक लाइन, हो भाई लाइन भी बना सकते अच्छे से. मेक लाइन प्रॉपर बनाएगा लाइन भी. एंड उसके साथ आप जितना क्रिएटिविटी के साथ करवाओ, जैसे मैंने यहाँ पे एक क्रिएटिविटी आपको दिखाया था. ए फॉर एप्पल को मैंने यहाँ पे बनाया है, ये एक बॉक्स बनाया है, ये एक बॉक्स है. बॉक्स के अंदर मैंने अपना एप्पल रखा है. तो हम बच्चों को बोलेंगे यहाँ इस तरीके से आप एप्पल को एप्पल की बॉक्स में लेकर आओ, एक को यहाँ से ऐसे मिला के. फिर उसको ऐसे इंटरेस्टिंग के साथ वो करेगा, यहाँ पे सीधे लाइन खींचो, फिर यहाँ पे खींचो, फिर यहाँ पे. इस हिसाब से वो पूरा कंप्लीट कर लेगा. उसके कंप्लीट के साथ साथ उसको इंटरेस्टिंग भी होगा. एंड देन लास्ट में उसको बोलो एप्पल को कलर करने के लिए, कि कलर करने के लिए एप्पल को कलर किया. फिर इस बॉक्स को भी अगर वो चाहे तो कलर कर सकते हैं. इस हिसाब से बॉक्स को भी कलर कर सकते हैं. कलर के हिसाब से उसका कलर भी होगा एंड उसका अल्फाबेटिक का इंटरेस्टिंग के साथ वो करेगा. वी हैव, आई होप यू अंडरस्टैंड. एंड कुछ अच्छा क्रिएटिविटी के साथ आप करो घर में बैठ के, बच्चे उसी के साथ करते हैं. पढ़ाई उसके बर्डन जैसा ना लगे, इसीलिए छोटे छोटे वर्कशीट लेके मैंने छोटे वर्कशीट लिया है. इस तरीके से वर्कशीट लिया है, वन पेज में थोड़ा सा छोटा एप्पल बनाया है, एप्पल के अंदर मैंने दिया है. कलर भी करेगा इसके साथ एंड वो अच्छे से इसको इंटरेस्टिंग के साथ करेगा भी. तो खेल खेल में वो पढ़ाई भी हो जाएगा उसका एंड आप एक ग्रीपिंग फर्स्ट लेटर भी आ जाएगा. फर्स्ट लेटर जैसे आ गया, मैं नेक्स्ट ऐसे मेरा नेक्स्ट होगा वी फॉर बॉल. तो मैं नेक्स्ट आपको बॉल सिखाऊंगी. थैंक यू सो मच.